आज अब 40 साल की हो गई। के बाल गायब है मेरे सर पे पूरे हैं अभी। चेरिश जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकती है, एनर्जेटिक भी नजर आ रही हैं, टॉरस वाले बिजनेस करें करने के बारे में सोच। हुस्न और सेहत के 16 सिंघार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज सूरज ग्रहण भी है, 1 बजे शुरू होगा, 4 बजे उसका पीक होगा। तो पहले उनसे आप यही बताएगा सबसे पहले तो कि सहरिश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है सूरज ग्रहण, क्या इनको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, उनसे बताइए आज सहरिश के बारे में। मेरा पीछा छोड़ दो, आप मुश्किल से हाथ में आए आज बड़े दिनों बाद। बाय द वे आज मेरा बर्थडे भी है, 25th। हैप्पी बर्थडे टू सहरिश ज़ुहैब एवरीबॉडी। आप फौरन से जाइए सहरिश के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनको हैप्पी बर्थडे विश कीजिए और बहुत जरूरी हैप्पी बर्थडे। आज आप 40 साल की हो गई। Excuse me, Mr. Tala, आपके बाल गायब है मेरे सर पे पूरे हैं अभी, 40 साल ज्यादा बता दिया आपने। अच्छा खैर, मैं अब तो बर्थ डेट भी मालूम पड़ गई, उनका कार्ड निकाले ना एक सहरिश ज़ुहैब के लिए प्लीज। चले, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है सहरिश के लिए, स्कॉर्पियो है सहरिश, और तमाम स्कॉर्पियंस जो भी हैं उनको स्पेशली एहतियात करनी चाहिए। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये बड़ा एक्साइटमेंट का कार्ड होता है, एनर्जी का कार्ड होता है। आज सैरिश जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकती है, नया बिगनिंग मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है घर पे खाना पकाना शुरू कर देंगी आज। अभी तो आपने बोला कुछ नया स्टार्ट नहीं करना 8 नवंबर तक। जिंदगी में नजर आ रहा है क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो एनर्जेटिक भी नजर आ रही है, जल्दी जल्दी काम करती हुई नजर आ रही है, और डेली रूटीन से हटकर कुछ कर की ख्वाहिश है। तो काफी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आज जो ऐसे रूटीन का हिस्सा नहीं होती उनसे। आप सही कह रही हैं। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? ये हफ्ता तमाम स्टार्स के बारे, एरीज की बात करते हैं। एरीज के लिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो कुछ नई बिगनिंग नजर आ रही है। एरीज वालों के लिए भी कुछ नया शुरू होते हुए नजर आ रहा है। काफी एरीज वाले जो हैं कुछ गुस्से पे इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से का ज्यादा जो है वो इफेक्ट एरीज वालों पर पड़ सकता है। अपने गुस्से को जो है वो ठंडा करें। टॉरस के लिए जो मैजिशियन का कार्ड है, इनका माइंड बहुत कि ये भी करना है वो भी करना है, एट अ टाइम वो 2-3 काम कर सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरस वाले बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रेनोवेट करके, उसको थोड़ा चेंज कर भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनी वालों के लिए किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। पच्चीस नवंबर को बुक लॉन्च कर रही हैं अपनी, आप उन बुक के लिए कार्ड निकाल दे जल्दी से। उनका बुक का नाम है रानी आपा के हुस्न सेहत के 16 सिंघार। रानी आपा के हुस्न सेहत के 16 सिंघार, जो कि बुक यकीनन सहरिश के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए कार्ड निकाल दें उनसा जल्दी से। उनकी फेमस करें, और उनके लिए जो कार्ड है देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव होते हैं, फेम के कार्ड होते हैं। ये जो बुक है इनकी, इंशाल्लाह मुझे लगता है बहुत फेम हासिल करती हुई नजर आ रही है, और फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट होगा, बहुत सारे लोग। राइट, थैंक यू सो वेरी मच उनसा शाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।